स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जेपीएससी मेंस पेपर फोर को। पेपर फोर में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, है ना, इसका कंप्लीट रिव्यू कम एनालिसिस अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक छोटे से टाइम पीरियड में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जेपीएससी मेंस का पेपर फोर का क्वेश्चन देखिएगा, है ना, तो सिंपल सा मेरा अपना एडवाइस रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल में था, है ना, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल था। अगर तीन क्वेश्चन को छोड़ दे, तीन चार क्वेश्चन मान चलिए मैक्सिमम, है ना, अगर छोड़ दे तो सबका सब नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टेंशन वाला बात था नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में ज्यादा टेंशन था नहीं, इस पर हम लोग आंसर डिस्कशन किसी और सेशन में कर लेंगे बाद में, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मेन बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ओवरऑल हार्ड था, पॉलिटी का भी हार्ड था, है ना, ये जनरल रिव्यू है सभी स्टूडेंट्स का। बट अगर मेरा माने, है ना, मेरा अगर हमसे अगर पूछेगा तो हम बोलना चाहेंगे ये क्वेश्चन मजेदार था। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो था पेपर फोर का, ये डिफरेंशिएट कर देगा बहुत सारे स्टूडेंट्स में, क्योंकि आपका जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है ना जो पीटी तो पास कर गए, उन लोगों को सिलेबस भी पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, मान चलिए मुझे ऐसा स्टूडेंट ना 1500 से 2000 होगा जो पीटी पास कर गए लेकिन लास्ट मोमेंट में 2-3 महीना में जो है ना बस तैयारी में आ गए, क्योंकि वो जेएसएससी का बेसिकली तैयारी करते थे, है ना, डीए झारखंड में बढ़िया नंबर आ गया, है ना, जीएस भी ठीक ठाक था, ऑब्जेक्टिव तुक्का उक्का मारे निकल गए, समझ गया। तो सवाल ये है, उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे ना जो रटने वाले स्टूडेंट थे, मतलब लास्ट मोमेंट में रट वट करके एग्जाम देने के लिए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें ना जो स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट है, उन लोगों को ना इस पेपर में डेफिनेटली फायदा मिल जाएगा, है ना, उन लोगों का मार्क्स इसमें जो है सो इन्हांस होगा, बढ़ेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट जो था ना पेपर फोर, ये एनालिसिस बेस्ड था, यानी कि वो सभी स्टूडेंट लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा जो लगातार आंसर राइटिंग सेशन पे वर्क कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, सब का सब टॉपिक जाना हुआ था, पहचाना हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। आप लोग समझ पा रहे हैं, मेरा लगातार प्रयास यूट्यूब पे यही रहा है कि हम आपको आंसर राइटिंग पर लगातार फोकस करवा सकें, और आंसर राइटिंग सेशन पे हम बहुत सारा सेशन लाएं, बहुत सारा वीडियो लाएं, है ना, जस्ट फॉर इसी के लिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन अलग हुआ, फॉर्म अलग हुआ, तो आप लिख पाएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आंसर लिख करके भी आए हैं, जैसा कि उन लोगों का फीडबैक मिला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्वेश्चन पर बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे क्या वो वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारा क्वेश्चन तो आ गया है एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट लिख करके भी शानदार आए हैं, चलिए दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन इसमें आपको ना सेक्शन बी में, है ना, सेक्शन बी में जो आपका है पेपर फोर सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखना था। टोटल 8 क्वेश्चन था जिसमें से आपको कितना लिखना था, 4 क्वेश्चन लिखना था। और जो आपको हम टॉप 75 क्वेश्चन दिए थे, तो डियर स्टूडेंट्स टॉप 75 क्वेश्चन मतलब उसमें जो पेपर फोर का क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं, तो 6 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से था और 5 क्वेश्चन आपको दिए थे कहाँ से, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लोक प्रशासन और सुशासन से। तो 6, 5, 11 क्वेश्चन में ही डियर स्टूडेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है, आप लोग मैच कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो पॉलिटी का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है ना करंट से लिंक करके लिखना था, है ना, और ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा टॉप 75 में तो नहीं है, बट जो लोग भी आंसर राइटिंग सेशन कर रहे थे और मूल अधिकार वगैरह को प्रैक्टिस किए थे, है ना, तो वो लोग इस आंसर को
लिख सकते थे, बट मेरा जहां तक हम स्टूडेंट लोगों से फीडबैक लिए हैं तो बहुत कम स्टूडेंट इसको लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना मूल अधिकार को तैयार ही नहीं किए थे। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट हमको लगता है नेग्लेक्ट ही किए हैं, है ना, बहुत कम स्टूडेंट इसको लिखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लिखे भी होंगे जिनका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा होगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, क्योंकि फैक्ट तो यहाँ पर, नॉलेज यहाँ पर है, बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करें ये मैटर रखता है, इसलिए आंसर राइटिंग पे बार बार फोकस करने के लिए बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स हैं जिसको बहुत सारे स्टूडेंट लोग किए हैं, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं, क्या आप सहमत हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान के मूल लक्षण है ना, यानी कि जब आप अपना टॉप 75 क्वेश्चन देखिएगा तो भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषता एवं मूल लक्षण आपका दिया हुआ है ना, उसी से ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है। बट एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मूल लक्षण आधारभूत जो विशेषता है वो सबको लिख दिए, है ना। एक होता है जो डिमांड है उसके अनुसार उसी चीज को रिप्रेजेंट करना, समझ पा रहे हैं, जिसका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा होगा, जो लगातार आंसर राइटिंग पे वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं, वो लोग इसको अच्छा लिख पाए होंगे, बाकी वाले लोग दिस डाट लिख करके आए होंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है, विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो खैर हमारे गेस्ट लिस्ट में नहीं था, जो लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे आंसर राइटिंग सेशन उन लोगों का पकड़ाया है ना, बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसको नहीं भी किए हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग किए भी हैं। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आपातकालीन प्रभाव, राजनीतिक दल एवं दबाव सबूत, दोनों का दोनों आपका जो है सिलेबस में है और दोनों का दोनों के बारे में आप लोग जानते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पे आंसर किए हैं, है ना, चूंकि टिप्पणी लिखना था तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको आंसर किए हैं। ये क्वेश्चन ओवरऑल कॉमन था, जो भी आंसर राइटिंग सेशन से हमसे जुड़े हुए थे लंबे समय से, 3-4 महीना जो किए होंगे, है ना, वो लोग जो है 3-4 महीना क्या 2-3 महीना जब किए होंगे, जो क्योंकि पॉलिटी में ये सब चीज करवाया गया है ना, तो उन लोगों का यहाँ पर मोटा मोटी आंसर आया है, ठीक ठाक आंसर आया। फाइव नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए, 40 नंबर का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका टॉप 75 में भी दिया हुआ है विकास प्रशासन, और ये जो विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर है, ठीक है, ये हम लोग काफी डिटेल में, जिनके पास भी नोट्स होगा विकास प्रशासन का वो देखे होंगे कि विकास प्रशासन पर टिप्पणी है, लेकिन नोट्स कम से कम 7-8 पेज का था। डियर स्टूडेंट्स, उसका रीजन वही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आपके अनुसार क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर आप कोई टॉपिक को अच्छा से कवर कर लेते हैं तो फिर वहां से क्वेश्चन नहीं छूटता है, और आपको जो गेस्ट क्वेश्चन दिया गया था वो बेसिकली क्या था, टॉपिक को कवर किया हुआ था, इसीलिए वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। जो स्टूडेंट लोग ना टॉपिक कवर कर लिए हैं, आप सोचिए मात्र 11 पूरा पेपर फोर्थ थे, मात्र 11 आपको क्वेश्चन दिए थे, जिनके पास भी क्वेश्चन था, है ना, वो लोग अपना मैच भी कर सकते हैं, मात्र 11 क्वेश्चन ही दिए थे, उसी में से क्वेश्चन सब बहुत सारा आया है। तो सवाल ये है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से, जिनका भी एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ गया है पेपर फोर का, और आंसर राइटिंग पे डियर स्टूडेंट्स लगातार फोकस करना पड़ेगा। आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारा आंसर राइटिंग का वीडियो बना हुआ है ना, और आप देखिए एक्चुअल में कहाँ कमी रह जाता है, कहाँ आप दिक्कत कर देते हैं, कैसे आप लिखना चाहिए जैसे आप नहीं लिख पाते हैं, उस पर थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो आपसे क्वेश्चन या तो छूट जाता है, या फिर क्वेश्चन को आप ऑन डिमांड, जैसा ही क्वेश्चन में डिमांड किया गया उसके अनुरूप आप लिख ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं कमी है, इसको जो है सो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, है ना। और ये एकमात्र इसका उपाय है लगातार लिखना और किसी से रिव्यू करवाना, जरूरी नहीं है कि आप हमसे करवाइए, किसी से भी करवाइए, है ना, जो सटीक रिव्यू कर दे, तो उससे क्या होगा ना कि आपका कमजोरी दूर होगा, तभी जो है ना आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो होता क्या है ना, जैसे हम आंसर लिखे तो हम ही समझते हैं भाई शेर है, हम लिख दिए किताब से देखे, कहीं से देख करके लिख दिए, मतलब बहुत शानदार आंसर लिख दिए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वैसा ही आंसर लिख देंगे, लिख करके ही मतलब मान लीजिए अभी हम को याद है हम लिख दिया आंसर, ठीक है, 2 महीने के बाद भी लिख देंगे तो क्या होता है ना, मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तब ना। तो सवाल ये है कि अगर आपका लिखने का एक हैबिट डेवलप हो जाएगा ना, तो आप अच्छा हमेशा लिखिएगा, कोई भी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, बस उतना ही तो चाहिए, बेस्ट कुछ होता नहीं है, समझ गए ना।
नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका है ना, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और दूसरा है जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका। तो ये जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉप 75 क्वेश्चन के लिस्ट में भी था, है ना। आप लोग देख सकते हैं टॉप 75 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही था आपका जिलाधीश जो मुख्य योजना तथा समन्वयकारी सत्ता है, जिला प्रशासनिक व्यवस्था की धुरी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली जिनके पास भी इसका नोट्स गया था वो लोग गौर करे किए होंगे कि इसका आंसर नहीं गया था, इसका कंप्लीट नोट्स गया था, है ना, ताकि आप जिलाधीश से संबंधित ईच एंड एवरीथिंग समझ पाए और आंसर कर पाए। तो आई होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का अच्छा फीडबैक मिला है, वो लोग आंसर भी किए हैं, है ना, अच्छे से लिखे भी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है, उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। तो सवाल ये है कि क्या ये क्वेश्चन भी से टॉप 75 में था? डियर स्टूडेंट्स, टॉप 75 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं था, बट आपदा प्रबंधन हमारा गेस था, है ना। आपदा से क्या तात्पर्य है, आपदा आने के प्रमुख कारण एवं इसके प्रबंधन हेतु तत्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर प्रकाश डालें। और हमारा स्पेशल सजेशन भी रहता था कि भाई जितना टॉपिक कम से कम कवर कर लीजिए, टॉपिक जो कवर कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर आप लोग आपदा प्रबंधन का जो टॉप 75 क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है, तो आप लोग आपदा प्रबंधन उल्टा के देखिए, स्टूडेंट्स आपदा प्रबंधन का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कंप्लीट नोट्स है, है ना। यानी कि आपदा प्रबंधन जो बच्चा ढंग से नोट्स तैयार कर लिया, जो बच्चा हम पे विश्वास किया और उस पर आंसर वगैरह लिखा, उन लोगों का आंसर डियर स्टूडेंट्स सॉलिड गया है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा है, बना करके लिखना था, है ना। अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या था, भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटक। तो हम लोग जानते हैं कि आपदा प्रबंधन का तैयारी जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र के स्तर पर होता है, समझ गए ना। तो सवाल यह है कि अब आपदा का लेवल क्या है, L1, L2, L3, L4, है ना। आपदा प्रबंधन का क्या रणनीति होता है, सब का सब आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो आई होप सो कि जो भी अच्छे से तैयार किए, जो भी अच्छे से रिप्रेजेंट किए होंगे, जिनका भी आंसर राइटिंग में थोड़ा सा कमांड होगा, वो लोग अच्छा से लिखे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ओवरऑल ऑट था। सबसे बड़ा बात है कि टॉपिक आपका ऑट है। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या आप सहमत हैं भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है, उत्तर में समर्थन और कारण दीजिए। तो भाई साहब ये जो सुशासन वाला क्वेश्चन है ना, ये जो सुशासन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, टॉप 75 का सेकंड क्वेश्चन, अच्छे और उत्तरदायी शासन का अर्थ और संकल्पना क्या है, सुशासन के मुख्य लक्षणों पर चर्चा कीजिए। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है कि नहीं बता दीजिए, है ना। अब सवाल यह है कि आपका आपसे क्वेश्चन जितना भी पेपर 4 में पूछा है ना, सबका सब क्वेश्चन क्या पूछा है, सबका सब क्वेश्चन अपने अनुसार आपको लिखना पड़ेगा, है ना, आपको अपने अनुसार लिखना पड़ेगा। लेकिन जिसका सुशासन कंप्लीट है, जो लोग अच्छे से नोट्स पढ़ा, भाई सुशासन का संकल्पना क्या होता है, है ना, सुशासन का मुख्य लक्षण क्या है, समझ गया ना, तो उन लोगों का क्वेश्चन छूटा नहीं है। और जिन लोगों का आंसर राइटिंग स्किल बढ़िया है, लिखना जानते हैं, लगातार लिखे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो लोग बहुत अच्छे तरीके से मैटर को रिप्रेजेंट किए हैं और बहुत अच्छा मार्क्स भी आने का उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर 4 था ना, ये बहुत सारे नए स्टूडेंट लोगों का तो खराब गया है, है ना, क्योंकि वो लोग दिस डैट भर के आए हैं, है ना। बट इसमें डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा उन सभी छात्र को जो लगातार मेहनत किए हैं, लगातार आंसर राइटिंग लिखे हैं, है ना, तो उन लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आना भी हमेशा से अच्छा मेरे अनुसार होता है, समझ गया ना, क्योंकि ये मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट कर देगा, एक अच्छा लड़का में और एक रटा रटाया हुआ लड़का में ना, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो ये जरूरी है। तो मेरा एक स्पेशल सजेशन भी रहेगा और हमेशा से रहते आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं जहाँ से भी पढ़ते रहिए, बट आंसर राइटिंग पर लगातार फोकस कीजिए। उत्तर लेखन अगर आपका एक बार इम्प्रूव हो गया, अगर आप एक बार कोई भी मैटर को रिप्रेजेंट करना चालू कर दिए, है ना, अपने अनुसार लिखना चालू कर दिए, डियर स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, कोई भी चीज़ों को अगर लिख देते हैं ना, है ना, जरूरी नहीं है कि फैक्ट आना चाहिए, दुनिया भर का फैक्ट डेटा आना चाहिए, उसका कोई जरूरत नहीं है,
है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे जो आप इनफैक्ट नेट से भी जो है ना डाउनलोड वगैरह करते होंगे, बहुत सारा आंसर वगैरह सब देखते होंगे कि भाई लिखा हुआ बहुत शानदार रहता है, उतना बढ़िया मैटर, उतना बढ़िया क्या बोलते हैं फैक्ट वगैरह डेटा वगैरह नहीं रहता है, लेकिन लिखना इतना बढ़िया तो रहता है ना कि उसे मार्क्स दिया मिल जाता है, समझ गए। तो उत्तर लेखन जरूरी है, उत्तर लेखन पे काम कीजिए आप लगातार। और आपको बता दें कि टॉप 75 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास है उसमें से कितना क्वेश्चन आया है, तो आप देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सुशासन वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है ना, जिनका सुशासन का कॉन्सेप्ट अच्छा था वो लोग लिख दिए होंगे। उसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आ गया है ना। उसके बाद देखिए जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका, ये भी क्वेश्चन आपका आ गया है। उसके बाद आप देखिए विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर, ये भी क्वेश्चन आपका आ गया है। यानी कि आप देखिए तो 5, 6 और 7, 8 है ना, आपका ये टोटल क्वेश्चन आपका पाँच ही क्वेश्चन में से आ गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मात्र आपको 5 गेस क्वेश्चन दिया है, उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जा रहा है। तो जो भी थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा उन लोग, आई होप सो कि बढ़िया मार्क्स लाया होगा, है ना, बढ़िया मार्क्स उन लोगों का आएगा, है ना, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। बाकी बात ना, आप 1, 2, 3 क्वेश्चन अगर देखिए सेक्शन 20 का, तो वो टफ क्वेश्चन का श्रेणी में आ सकता है ना, क्योंकि उसमें कंप्लीट आंसर राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन, मैटर का रिप्रेजेंटेशन का जरूरत पड़ेगा। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का सेशन बहुत अच्छा रहा, एग्जाम बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का बहुत खराब भी रहा है ना पेपर 4 का, बट एट लास्ट बोलना चाहेंगे कि देखिए क्या होता है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना आपके जेपीएससी रिजल्ट के लिए, है ना, और खासकर के पेपर 4 का मार्क्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह का शानदार कंटेंट लगातार इस चैनल पे अपलोड हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, आई होप सो। आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगता है और कितना आपके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ शानदार अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना आपके जेपीएससी मेंस एग्जाम मेंस के रिजल्ट के लिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।